जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें HPSC TON ATO में आपकी वैकेंसी आई हो तो ATO क्या है आपका ट्रेजरी ऑफिसर, आपका जो है असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर तो आपका यहाँ पे 35 पोस्ट जो है दी हुई है जो हरियाणा लोकेशन में आपको अप्लाई कर लेना है। वहाँ पे आपका बात करें फॉर्म स्टार्ट होने की तो 14 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होगा, 28 अप्रैल आपकी लास्ट डेट होने वाली है। एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं हो पाई है। वहीं बात करें आपका जनरल OBC अदर स्टेट के लिए आपका फीस है 1000 रुपये, मेल फीमेल अदर्स के लिए है 250 रुपये, SC ST PH कोटा के लिए सबके लिए जो है 250। PWD हरियाणा से है तो कोई आपको कोई फीस पे नहीं करना है। वहीं बात करें एज लिमिट की तो 18 से 42 साल यहाँ पर एज लिमिट दी गई है। यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हैं, आपकी वैकेंसी शो की गई है। यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री होना अति आवश्यक है एवं हिंदी इंग्लिश आप हिंदी और संस्कृत की नॉलेज आपको होना अति आवश्यक है। वहीं बात करें आपका सिलेक्शन प्रोसेस की पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको तीनों प्रोसेस जो है क्लियर करनी होगी। तो पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का होगा, सेकंड भी 100 का होगा, थर्ड भी 100 का होगा, टोटल जो है रिटर्न एग्जाम में 300 मार्क्स दिए हुए हैं। जहाँ आपका विवा वोक होगा वो आपका 40 नंबर का होगा, तो ग्रांड टोटल आपका 340 होगा। तो यहाँ पे आप कैसे जो आप फॉर्म भर पाएंगे, तो सबसे पहले क्या है आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे क्या है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो गॉट इट कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको पूछता है एप्लीकेंट नेम, तो आपको यहाँ पर क्या अपना नेम डाल देना है। एंड उसके बाद पूछता है सिटीजन ऑफ इंडिया आपको सिलेक्ट कर लेना है। वही आपको पूछता है डोमिसाइल हरियाणा का है तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। मेल है या फीमेल है वो आपको डालना होगा। एंड जनरल कैटेगरी आपका कौन सा कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। वहीं आपका नीचे दिया हुआ है आधार नंबर, तो यहाँ पर आपको क्या है आधार नंबर डाल देना है। उसका पूछता है आर यू फैमिली मेंबर ऑफ मिलिट्री, अब जो है पर्सनल हु हैज द अवॉइड द बेनिफिट रिजर्वेशन ऑफ टू फैमिली मेंबर। तो आप अगर रिजर्वेशन में है तो आप जो है यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। एंड उसके बाद पूछता हैव यू वर्क एट परमानेंटली वर्किंग, आपका जो है अदर कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज डेली बेस इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा के आप किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। वहीं पूछता है आपका विकलांग सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। अगर यस है तो आपको यस करना है। एंड यहाँ पर किस टाइप का है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। नीचे पूछता है आपका एक्स सर्विसमैन है तो आप जो सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। वहीं आपका आता है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको डाल देना है। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डाल देना है। एंड डालने के बाद आपको दिखाई देगा ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, तो वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको खुद का ही डालना है। एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद क्या है यहाँ पे आपका मोबाइल और ईमेल पर OTP आएगा, वो OTP आपको डालना होगा। वहीं आपका पूछता है मदर्स नेम, तो आपको मदर्स नेम डाल देना है। एंड फादर्स नेम आपको डालना होगा। उसके बाद पूछता है आपको जो है UPSC या HPSC अदर स्टेट ने आपने जो है किसी भी गवर्नमेंट ने डेवर्ट तो नहीं किया है, तो आप डेवर्ट किया तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो ही करना है। क्रिमिनल केस है कोई तो यस करना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड उसके बाद दिखाई देगा आर यू चाइल्ड फ्रीडम फाइटर ऑफ हरियाणा, फ्रीडम फाइटर हरियाणा के आप जो है नाती हैं या पुत्र हैं तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर देंगे। वहीं आपको पूछता है आर यू एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा, तो आप हरियाणा गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं आपका पूछता है करेस्पॉन्डिंग एड्रेस जहाँ पे आप फिलहाल रहते हैं वो आपको डालना होगा। तो आपका विलेज कौन सा है, पोस्ट कौन सा है, हाउस नंबर, ये सारी चीज़ें डालने का, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो आपको डालना होगा। एंड आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। एंड आपका आपका जो है विलेज कौन सा है वो आपको डालना होगा, विलेज या गली आपका वो डालना है। एंड तहसील आपका क्या है वो डाल देना है। एंड पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद नीचे दिखाई देगा परमानेंट एंड अर्जेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। वहीं आपका पूछता है अकाउंट डिटेल, तो आपके पास अकाउंट डिटेल अवेलेबल है तो अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द बैंक एंड IFSC कोड, तो ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको क्या है सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में क्या है आपको सबसे पहले इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले 10th किस बोर्ड से पास किया था वो आपको डालना है। एंड आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है वो आपको डालना होगा। एंड आपका डिवीजन कौन सा है वो आपको डाल देना है। एंड किस ईयर में पास किया था वो आपको डाल देना है। एंड आपका परसेंटेज कितना था वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा
मार्कशीट। तो यहाँ पे क्या आपको मार्कशीट अपलोड करना है पीडीएफ में, वहीं आपका डिग्री आपको अपलोड करनी होगी। अगर आपका डिग्री और मार्कशीट एक ही है तो एक ही अपलोड कर देंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है ट्वेल्थ का रिकॉर्ड, तो आपको ट्वेल्थ का भी सेम करना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना ट्वेल्थ है या डिप्लोमा है, वो आपको डालना होगा। किस बोर्ड से किया था एंड कौन कौन से सब्जेक्ट है वो आपको डाल देना है। आपका फर्स्ट डिवीजन था, सेकंड डिवीजन था, वो आपको डालना है। किस ईयर में पास किया था वो आपको डाल देना है। ओवरऑल परसेंटेज कितना था वो आपको डालना है एंड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। मैक्सिमम 1 MB से कम का आपका जो है होना चाहिए। तो आप दोनों जो है अलग अलग अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका ग्रेजुएशन, तो आप ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से किया था वो आपको डालना है एंड किस कौन कौन से सब्जेक्ट है वो आपको लिखना होगा एंड कौन सा डिवीजन है वो आपको डाल देना है एंड आपको किस ईयर में किया था एंड कितना परसेंटेज है वो आपको डाल देना है एंड मार्कशीट एंड जो सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। नीचे आपको क्लिक करना है आई हेड ऑफ नॉलेज हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन। तो मुझे 10 और 12 का जो है अच्छा नॉलेज है तो वो आपको सिलेक्ट करना होगा एंड कंटिन्यू करने उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर पूछता है आपके पास एक्सपीरियंस अवेलेबल है तो आप लगा सकते हैं, अन्यथा क्या है आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आता है फोटोग्राफ, तो आपका फोटोग्राफ जो है आपको अच्छे से अपलोड करना होगा, एकदम अच्छी क्वालिटी में आपको अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ आप नॉर्मली किस तरीके का अपलोड कर पाएंगे, देखिए फोटोग्राफ आपका मिनिमम जो है आपका विड्थ है वो आपका 100 होना चाहिए एंड हाइट जो है आपका 150 होना चाहिए। तो आप फोटोग्राफ जो है ऑल बनाएंगे तो आप सेटिंग करने के बाद ही आप फोटोग्राफ बना पाएंगे। आपके पास पेंट अवेलेबल है तो आप बना पाएंगे, आपका नॉर्मली जो है आपको बना लेना है। तो आप देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ आप अपलोड करेंगे तो फोटोग्राफ आपका अपलोड हो जाएगा। वहीं आपका सिग्नेचर है तो आपको सिग्नेचर भी इसी तरीके से अपलोड करना होगा। यहाँ पे आपका 50 से 150 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। वहीं आपका डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र है, विकलांग सर्टिफिकेट है, वो आपको 1 MB से कम में PDF में अपलोड करना होगा एंड आपका जो आधार कार्ड है वो आपको अपलोड करना है। आधार कार्ड भी आपका 1 MB से कम का होना चाहिए। तो आपको आधार कार्ड अपलोड कर दिया। यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन दिए, 3 डिक्लेरेशन आपका दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर तीनों डिक्लेरेशन आपको क्लियर कर लेने हैं। क्लियर करने के बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है और जैसे आप प्रीव्यू एंड सबमिट पे करेंगे तो आपका फॉर्म चेक करने के लिए आ जाएगा। तो आपको फॉर्म एक बार चेक कर लेना, आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है, अगर गलती है तो आप जो है क्लिक हियर टू एडिट कर सकते हैं, अन्यथा आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। तो आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI आप किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं एंड पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर जाना होगा। यहाँ पे आपका पेमेंट जो है अटेम्प्ट लिखा आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है वो आपको देख लेना है। पेमेंट सक्सेस हो जाएगा तो उसके बाद आपका फॉर्म फाइनल माना जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।